हमारे सब्सक्राइबर भाई बोल रहे थे कि 3718 और 4225 के बारे में बताइए। तो ये हमारी गाड़ी जो है 3718 है और ये 2018 मॉडल में है। बस जब 2019 आया तो 3718 बंद होके 4223 आ गई। लंबी चेचिस मिला तो फायदा ये है कि 3718 में ज़्यादातर माल हाइट हो जाता है, कुछ भी लोड करते हैं। तो क्या फ़र्क है 3718 में 4225 में? कुछ फर्क नहीं लग रहा है मेरे को। फर्क नहीं है, गाड़ी लगाते नहीं ट्रांसपोर्ट में, 3718 बोलते हैं, तुम्हारी गाड़ी छोटी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। हमारी गाड़ी जो है गाइस, आपको पता है, लोडिंग में गई है। कल के ब्लॉग में देखे हमने कंपनी में गाड़ी पहुंचाकर और चले आए घर पे। अभी दिन के 11 बज रहे हैं, नहा धोवा के एकदम फ्रेश हो गए हैं। अभी हमको गाड़ी के पास चलना है तो फ़ोन किए थे गाड़ी लोडिंग के लिए। शायद अभी कंपनी में लोडिंग बंद है, क्यों? माल नहीं है, गाड़ियाँ बहुत लोड हो रही है। 2 बजे के बाद लोडिंग स्टार्ट होगा, तो हम भी अपना नहा धोवा लिए हैं। अब यहाँ से खाना वाना खा के निकलेंगे और इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, बोलते हैं जहां शाम वहीं सवेरा, जहां से स्टार्ट हो वहीं से नई शुरुआत। और हमारा खाना बन रहा है, खाने में दाल चावल बन रहा है, सब्जी बनेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर में खाना तैयार है हमारा, फिर खाओगे यहां से निकलेंगे। तो दोस्तों हमारा सब्जी बन रहा है, इसलिए बनेगा पटल भाजा और ये है खेक्सा, तो इसका बना देंगे खेक्से के भुजिया। चलिए बनाते हैं बढ़िया से। हाँ, हमारा कढ़ाई में फोरन डाल दिए हैं और तेल डाल दिए हैं एक फ्राई पैन में, तो दोनों में जल्दी से बन जाएगा। और यहाँ बनेगा पटल भाजा। पटल भाजा बन रहा है और ये है सब्जी, इसको भुजिया ही बना रहे हैं, सब्जी नहीं है। इसको लाल कर लेंगे, हल्का पाउडर मार देंगे। ये पटल भाजा है, इसको थोड़ा भूजने में, भूज देने से बहुत बढ़िया होता है पटल को भाजा बनाने में। ये हमारा बंगाल का फेवरेट डिश है पटल भाजा। और इसमें डाल देंगे हम हल्दी मसाला, बस पाउडर मसाला ही डालेंगे, इसको मिलाते रहेंगे, बस 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 बस, ज्यादा नहीं। तो दोस्तों हमारा खाना निकल चुका है और देख लीजिए, पटल भाजा और खेक्सा की सब्जी, दाल और राइस। तो चलिए खाते हैं और हमको जाना है कंपनी में गाड़ी के पास। और आलू खेक्सा की सब्जी और पटल भाजा बंगाल में तो ये टाइम बरसात के दिनों में बनता है, बड़ी मजा आता है खाने में। बढ़िया हुआ है, खाते हैं। 4 बजने वाले हैं और मैं खाना खा के 1 बजे बोला 1 घंटा आराम करके जाता हूँ। 2 बजे से जो बारिश हो रहा है, या बोलिए मत, पूरा उधर मैदान साइड में पानी भर गया, आप देख सकते हैं। अब एकदम अभी जाने लायक नहीं है, अभी जाएंगे ना, जाना तो पड़ेगा। अब समझिए वो प्लांट का क्या दशा होगा, उसमें पैदल पैदल जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, तो वेट कर रहे हैं, पानी छूट जाए तो हम निकलेंगे। यार आज ब्लॉग भी नहीं बना पाए, गाड़ी के पास जाते तो बनता, तो हम घर में ही रह गए। दोस्तों अभी बारिश बंद हो गया, अब जा रहे हैं मोड़ पे, बस पकड़ लेंगे। लेट हो गया, शाम के 4 बज गया है, अब बहुत पानी हो गया, आप लोग देख सकते हैं, तो पूरा पानी पानी भर गया। दोस्तों अभी हम हाईवे में चले हैं और यहाँ बस मिलेगी हमको जाने के लिए रेशमी के लिए। और रोड एक साइड बंद है, क्यों? बहुत जोर से बारिश हो जाने के बाद वहाँ अंडरपास ब्रिज है, ब्रिज में पानी भर जा रहा है। अब इस साइड रॉन्ग साइड का ही रोड चल रहा है इधर जाने के लिए, तो बस यहीं आके रुकेगी। और देख लीजिए ये है कलकत्ता रोड, सब गाड़ी आ रही है। दोस्तों अभी हम बस से उतर गए और ये है रेशमी 3 नंबर। और बारिश हो रहा है, बारिश फिर स्टार्ट हो गया है, तो चलते हैं प्लांट के अंदर। शाम के 5 बजने लगे और गाड़ी के पास हम पहुंच गए। अभी गया था अंदर में और पूछ के आए तो बोल रहा अभी रात को नंबर आएगा, यहाँ पे यही है गाड़ी लोड करने में। समझ में नहीं आता, 2-2 दिन 3-3 दिन गाड़ी लोड करने में लगता है, यही थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है कंपनी में, कोई रोक ठोक नहीं है, जब मर्जी तब आइए जाइए। चलते हैं गाड़ी के अंदर, पूरा कीचड़ हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। गाड़ी में कोई चढ़ा नहीं था, जैसे के तैसे है सब। दोस्तों शाम के 6 बज गया है और एक हमारे सब्सक्राइबर भाई बोल रहे थे कि 3718 और 4225 के बारे में बताइए। तो ये हमारी गाड़ी जो है 3718 है और ये 2018 मॉडल में है।
और 2018 के बाद जब 2019 आया तो 37-18 बंद होके 42-23 आ गई, उसके बाद 2020 के बाद 42-25 आ गई वो BS4। तो 37-18 और 42-25 में फर्क यही है, गाड़ी सेम है, उसका सिर्फ हॉर्स पावर ज्यादा है, ये 180 हॉर्स पावर की है और वो गाड़ी जो है 42-25 250 हॉर्स पावर की है, तो इससे टान थोड़ा ज्यादा है। और वो 30 फुट में चेचिस आई, मतलब ये है 28.5 फुट में चेचिस इसका, और 42-23 आपको दिखा देते हैं, यहाँ बहुत होगी, चलता हूँ उस साइड आपको दिखाता हूँ 42-23, वो देखिए वो गाड़ी 42-23 है, ये गाड़ी जो है 42-25 है, और इस गाड़ी का चेचिस का लंबाई जो है ये BS6 में आया गाड़ी, और BS6 में इसका चेचिस का लंबाई जो है 30 फुट का है, अभी शायद 32 फुट का भी आ गई है 2024 में। लंबी चेचिस मिला तो फायदा ये है कि 37-18 में ज़्यादातर माल हाइट हो जाता है, कुछ भी लोड करते हैं तो, और ट्रांसपोर्ट में व्यापारी लोग पार्टी जो है ट्रांसपोर्टर खोजते हैं 30 फुट की गाड़ी अभी, क्योंकि मार्केट में 30 फुट की अवेलेबल है, 42-25 30 फुट की है, अभी न्यू मॉडल में 32 फुट की आ गई, तो लास्ट में 32 माने व्यापारी को क्या है, जितना लंबा से लंबा गाड़ी मिलेगा हल्का से हल्का माल वो चढ़ाएंगे, हाइट भी नहीं करना है उस जगह पे, 37-18 को अब ऑर्डर देते ही नहीं है क्योंकि उसकी छोटी चेचिस है और उसमें माल हाइट हो जाता है, तो हाइट का पैसा ऊपर से व्यापारी को देना पड़ता है, इसी वजह से नहीं लगाते हैं 37-18 गाड़ी। तो यही फर्क है 37-18 और 42-25 में, बाकी इसका इंजन जो है 250 cc का है और 37-18 का 100 cc का है, और इसका डिशबोर्ड में चेंजिंग है, इसका इंजन क्यों थोड़ा गियर बॉक्स जो हाउसिंग है वो बड़ा है। क्या फर्क है सर, क्या फर्क है 37-18 में 42-25 में? कुछ फर्क नहीं लग रहा है मेरे को। फर्क नहीं है, गाड़ी लगाते नहीं ट्रांसपोर्ट में, 37-18 बोलते हैं, तुम्हारी गाड़ी छोटी है। छोटी कैसे? छोटी है ना, 28-28 फुट की होती है 37-18। 30 फुट की होती है ये, 30 फुट की होती है ना, उस्ताद को पता है, ये 30 फुट की होती है। अभी व्यापारी वो कच्चे माल में तो गाड़ी लगाते नहीं है 37-18, वो बोलते हैं कि लंबी चेचिस की गाड़ी ले आओ, अभी अभी आ गई है 42-25 में 32 फुट था माल, अभी बोलते हैं 32 फुट लेके आओ, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। बाकी डीजल ये भी उतना ही खाती है, वो भी उतना ही खाती है, थोड़ा इसका खिंचाई ज्यादा है। खिंचाई ज्यादा है ना, उस्ताद बोल रहे हैं खिंचाई ज्यादा है, हमारी गाड़ी में 37-18 है, उसका खिंचाई कम है, जहां बैठ गई तो कोई कामयाब नहीं है। ये तो खैर BS4 गाड़ी वैसे ही करती है, BS4 BS6, जहां बैठ गई कोई कामयाब, ये चलते रहेगी तभी जोर लगाती है, खड़ी हो जाएगी तो फिर जोर नहीं लगाती है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे आप कमेंट करके बताइएगा। गाड़ी के पास अब चलते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, सोच रहे थे कि चाय पियेंगे, उधर जाना पड़ेगा, एक तो कादा है ऊपर से फिर बारिश होने लगा, ऐसे भी आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्यों गला बैठ रहा था, गला नहीं बैठा है तो गले में खराश हो गया है, लग रहा है कि खांसी वासी सर्दी जुकाम होगा। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं और अभी थोड़ा बारिश बंद हो गया है, तो थोड़ा हम चलते हैं कैंटीन में, चाय वाय पी कर आते हैं, और देख लीजिए पूरा बाहर में कादा कादा हुआ है, माने कहीं आने जाने लायक नहीं है, इतना पोजीशन ख़राब है, लेकिन क्या करें, ड्राइवर की मजबूरी है, वो तो खाना खाने जाना ही पड़ेगा। और देख लीजिए उस्ताद की गाड़ी लोड हो गई है और मोहर वोहर भी लग गई। दोस्तों आ गए हम कैंटीन में और आया था चाय पीने के लिए, लेकिन चाय ख़त्म हो गया है, तो अब चलते हैं खाना खा लेते हैं, क्यों बरसात हो रही है, अब दोबारा कौन आएगा, बहुत कादम में आना पड़ता है। लगाओ बाबू खाना लगा दो। तो हमारा खाना लग चुका है, सब्जी और रोटी प्याज मिर्ची है यहाँ पे, तो चलिए खाते हैं खाना खा लेते हैं, बाहर बरसात हो रही है और कादा बहुत हुआ है, दोबारा आने जाने लायक नहीं है, तो खा के फिर चलते हैं गाड़ी के पास। बढ़िया है, जो भी मिल जाता है वही ठीक है, नहीं तो यहाँ पे खाना भी नहीं मिलेगा, गेट यहाँ से 1 किलोमीटर है, पूरा कादा कादा पे जाना होगा। दोस्तों हमारा खाना हो गया, अब चलते हैं यहाँ से और ये दादा को बाय बोलते हैं, कैंटीन में खाना मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं तो ये बरसात में अभी ना गेट पे जाना होता तो बहुत जाने नहीं सकते, इतना कादा हुआ है उधर। चल रहे हैं दोस्तों, और ये देखिए ये नई बिल्डिंगें बन रही है, ये वर्कर के रहने के लिए, मतलब ये कंपनी से अलग इसका गेट है और यहाँ पे कैंटीन है, जो वर्कर यहाँ काम करते हैं वो इसके अंदर रहेंगे, एक साइड उस साइड में कंप्लीट है, ये नया बन रहा है, तो चलते हैं, पूरा अंधेरा हुआ है और कीचड़ पानी देख लीजिए, अब क्या करेंगे, कंपनी नया कंस्ट्रक्शन पे है, ओ कीचड़ पर मट्टी तो होगा ही, वो रहा गेट सामने है। ये देखिए यहाँ पे किराना दुकान था, हमें मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ सब सामान मिल रहा है खाना बनाने का, हमारे गाड़ी वाले भाई ले रहे हैं और वर्कर भी ले रहे हैं कंपनी का, ये अच्छा जगह है, नहीं तो गेट के पास जाते तो बहुत प्रॉब्लम होता है गेट के बाहर जाने में।
यहाँ पे मिल जाएगा, हमें मालूम होता तो हम भी लेके खाना बना लिया होता है। चलिए कल बना लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस ब्लॉग के दूसरे दिन में। अब फाइनली हमारी गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे लग चुकी है और गाड़ी लोड हो रही है, आपको दिखाते हैं। देखिए इस साइड से क्रेन चल रही है, गाड़ी लोडिंग स्टार्ट हो गया है, तो चलिए अब लोड कर लेते हैं। सारा रात हमने इंतजार किया, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, फोन आएगा, फोन बजता है। फिर इन लोगों ने फोन किए 4:30 बजे, फिर हम यहाँ गाड़ी लेके लगाए। दूसरी गाड़ी वहाँ लोड हो रही थी, उसका लोड कम्प्लीट होने के बाद हमारी अभी लोडिंग स्टार्ट हो गया दोस्तों। अभी 6 बज रहे हैं और फिलहाल लोडिंग बंद है, वर्कर चाय नाश्ता करने गए हैं, तो मैं भी चलता हूँ कैंटीन में चाय पीने के लिए। और ये देखिए गाड़ी हमारी बगल में लगेगी वहीं पे प्लांट के अंदर, तो चलता हूँ जल्दी से, मैं भी चाय पी के आता हूँ। वो सामने है कैंटीन और देख लीजिए यहाँ पे नई मकाने बनी है ऑलरेडी, उस साइड चालू है, तो वर्कर यहाँ पे रहते हैं सब प्लांट के। अभी थोड़ा क्या है कि कंस्ट्रक्शन पे है, इसी की वजह से पानी लग जा रहा है। मैं जा रहा हूँ कैंटीन में, वो सामने रहा कैंटीन, तो आ गए मैं कैंटीन में, रात को यहीं पे खाना खाया था। अभी थोड़ा सुबह चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी भी लोड हो रहा है। ये है लीकर चाय, और लीकर चाय है जो बढ़िया है, लीकर चाय दूध चाय इससे मतलब इसके तुलना में अच्छा नहीं है, लेकिन हमें आदत लगी है दूध चाय पीने के लिए। दूध चाय जो है एक्चुअली पॉइजन है, और लीकर चाय जो है अमृत है, लेकिन पीते नहीं है हम लोग। तो दोस्तों हमारा लोडिंग स्टार्ट है, बगल में भी एक गाड़ी लग गई है, अभी किरण चल रही है, हमारा ही लोड हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, लोड हो जाएगी और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।